यार राजू की शादी वहाँ भी चलना है, चलना अच्छा, पड़ेगा ना। ग्रुप में पैसा देने वाला वो बुधवार को आने वाला था ना। हाँ, ठीक है, वाला उससे बात कर लेना। हाँ, क्या है, कोई बताएगा मुझे? अरे वो वैसे भी एक नंबर का कंजूस है, जेब से 5 पैसे नहीं निकलते उसके। अरे वो पैसे दे देगा यार। अरे क्या पता कब देगा भाई। ये कौन है? ए, कौन है रे? जरा देख तो बाहर। अंदर जा, कहाँ ना, अंदर जा, जा, जा यहाँ से। ए रुक रुक, ए सबका फोन ले। ए चल फोन निकाल। चल दे। ए फोन निकाल, फोन निकाल। फोन नहीं है। निकालने को बोला ना। फोन नहीं है। हाँ, हाँ देता हूँ, ये लो। पूरे 252,045 रुपए हुए। चले। मैंने पैसे 3 हिस्सों में कर दिए और 45 रुपए चाय के लिए। क्यों रे, बड़ा हिसाब किताब करने लगा है? तूने कहा था बहुत माल आएगा, बस इतना ही तो क्या हुआ? कुछ नया प्लान करते हैं, अब की बार बड़ा हाथ मारेंगे। ये ले। अच्छा सुन, ट्रेन आ गई है, मैं निकलता हूँ। ठीक है, बाद में मिलूंगा। ए, तू हमें छोड़ के कहाँ जा रहा है? कोई लड़की वड़की है क्या? अबे 11 बजे के बाद फ्री हूँ ना, तू फोन करना, मैं मिलूंगा। ए, शिवा रुक, मेरी बात सुन। जाने दे उसे। ए, चल सिगरेट दे। अबे तेरी तो। ये ले। क्या हुआ? ये मुझसे छीन रहा था। अबे तुम लोग बिना सुधरोगे नहीं। निकल। ए? ए? तो लेके जैसे। अरे कहाँ ले जा रहा है, रुक जा। क्या हुआ, इतना चला क्यों रही है?
उस दिन शराफत से हाथ मांगा था तो तू मानी नहीं, तो ये तो होना ही था। सुमति, अबे देख क्या रहा है, लेके जा। सुमति रुक जाओ, तो कहाँ ले जा रहा है मेरी बेटी को? सुमति रुक जा बेटी, सुमति इसके बारे में तुझे कुछ पता है? इसके साथ जा रही है? मेरी मेरी बात तो सुन, इसके साथ जाना है तो मेरे गहने देकर जा। ए, ये क्या कर रही बेटी? सुन सुमति, अरे रुक जा बेटी, ए, मेरी बेटी को छोड़ दे। ए, बेटी मेरी बात तो सुन, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बात तो सुन। क्यों नहीं सुनती? इज्जत तुम्हारे पास है क्या? अरे पागल है। सुमति, ए सब तोड़ दोगी क्या? नहीं तो क्या खराब वाली लेकर जाऊं? पैसे क्या फ्री में आते हैं? ऐसे चिल्ला रही हो जैसे जायदाद लेकर जा रही हो। और क्या करूं? मेरी कोई सब्जी खराब कर देगा तो मैं खुशी से नाचने लगूं? अरे एक एक करके सारी मेरी भिंडी तोड़ दी। हम भी तो ऐसे ही लाते हैं, सब ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? बेटी हमारे बारे में भी तो सोचो, जितना लेना है ले लो, लेकिन तोड़ो मत, फोकट का टाइम पास। मुझे नहीं चाहिए, रखो अपनी भिंडी। लैला मजनू के चक्कर में मेरी भिंडियां टूट गई। अरे क्या लाए हैं? क्या चाहिए? मजाक मत करो भाई। अरे दास, ये लड़की कौन है साथ में? दीदी अपना दास शादी कर रहा है। ऐसे अचानक बताया भी नहीं। क्या रहा दीदी, चट मंगनी पड़ गया। अच्छा शादी कोई मजाक है क्या? सुन दास, बहुत सुंदर लड़की मिली है तुझे। ए देखो ना, ये मैं पहन ही नहीं पा रही हूँ। क्या है ये? साड़ी है लेकिन मुझे पहननी नहीं आती, मैंने कभी नहीं पहनी। सुबह तो पहनी थी ना तुमने? वो तो माँ ने पहनाई थी, उन्हीं को लेकर आना पड़ेगा। जाओ, हंस क्यों रहे हो, टाइम हो रहा है, जाओ सामने वाली दीदी को बुला कर लाओ। जाओ ना, अब इधर आओ। साड़ी अच्छी पहना लेते हो, मेरी माँ भी इतनी अच्छी नहीं पहनाती। बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ। हंस क्यों रहे हो? हे पागल कहीं की, मैं तुम्हारी माँ थोड़ी ना हूँ, मैं हूँ, समझी? मैं तो बस मजाक कर रही थी। नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करो, नहीं तो मेरी साड़ी बिगड़ जाएगी। तेरी तो क्या हुआ? बारा क्या हुआ बोला ना, बारा
सुनो इधर आओ। हाँ। क्या दास, कहाँ से ढूंढ कर लाया ऐसी परी? दीदी नजर मत लगाओ। अंदर शर्ट है, जाके बदल के आना। वो सब की जरूरत नहीं, तू बस गाड़ी में बैठ। पहले जाके चेंज कर। क्या यार, जाके गाड़ी में बैठ, समझाओ ना। जाके चेंज कर लो ना। हाँ, बदल लो ना। भैया अभी ठीक है, तुम दोनों गाड़ी में बैठो, मैं चेंज करके आता हूँ। चलो दास आ जाओ बेटी। शुभ दिन दास और सुमति एक दूसरे के जीवन संगी बन रहे हैं। ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। क्या हुआ? मंगलसूत्र पहनाने को बोल रहे हैं। क्या है फादर? तो पहनाओ ना। फिल्म खत्म हो गई क्या? नहीं हुई अभी तक, चल रही है यार। दास, दास, दास। बोलो ना। आज तुम खुश लग रहे थे, शिवा, सामने वाली दीदी, सब लोग कितने खुश लग रहे थे। मैं भी बहुत खुश थी, सबने कहा हमारी जोड़ी अच्छी है। दास, हमारे पास सब कुछ तो है, तुम्हारी किसी गलती की वजह से ये सब खत्म नहीं होना चाहिए। ये काम छोड़ दो, मैं बस यही चाहती हूँ। तुम जो नौकरी करते हो बस वही करो। सुनो ना। ठीक है ठीक है। उठो उठो तो सही, एक मिनट। क्या है ये? इसे कब खरीदा? माँ की है।
फोटो भेज दी मैंने, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे भाई, भाई छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो भाई। इसके पास फोन था क्या? हाँ भाई। मुझे छोड़ दो, मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ दो मेरे भाई। भाई राजेंद्र का नंबर है क्या उसमें? देख मुझे माफ कर दो, मैं नहीं करूंगा। है भाई, चल लगा। मुझे माफ कर दो। नहीं 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 नहीं, मुझे मारो मत। हेलो सुरेंद्र, कहाँ है तू? तू बोल रहा था कि सारे लड़के फंस गए, ये सच है क्या? अभी वो बात नहीं कर सकता, उसकी बुरी तरह कुटाई चल रही है, उसके दो दांत भी गायब हैं। ये क्यों हो रहा है पता है? अगर कुछ बोलना है तो जल्दी से बोलना। धर्मराज ज्यादा टेंशन मत ले, तुझे हाई बीपी है ना? इसे छोड़ दो क्या? ये मुझे खत्म करने आया था तेरे कहने पर। सफाई देने की जरूरत नहीं, जब वो पीछा कर रहा था तब नहीं पकड़ा, जब वार किया तब पकड़ा। अगर चौकन्ना नहीं होता तो अब तक मैं जिंदा नहीं रहता। तू मेरा सारा काम छीन कर मजे करना चाहता है? मैं काम में ईमानदार हूँ, तभी तो लोग मेरे पास आते हैं। मैं तेरे बीच नहीं आता, फिर तूने ऐसा क्यों किया? मैंने उसे भेजा था, तुझे खत्म करके मैं तेरी जगह लेना चाहता था। और अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। अभी तक आई क्यों नहीं? लेकिन अगली बार टाइम हो गया भाई, मेरी जगह आती होगी। सुन, तू कुछ बोल रहा था ना? क्या कहा? अरे मैंने तेरी बात सुनी नहीं। क्या रे, मजाक उड़ा रहा है? उसे भेज के मैंने गलती की, अगली बार खुद तो आना, तलवार लेकर आना, हम दोनों अकेले में लड़ेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। तू जीता तो मेरा सारा धंधा तेरा। क्यों रे, डर गया क्या? तेरे पास पैसे नहीं है क्या अर्थी उठाने के लिए? फिक्र मत कर, मैं तेरी अर्थी उठाऊंगा। छे, आवाज नीचे, फालतू में मत चिल्ला। लड़के जानते हैं तेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी वो तेरे साथ खड़े रहते हैं। पता है क्यों? वो तेरी इज्जत करते हैं। फिर भी तू ये सब कर रहा है, हमेशा कुछ ऐसा करता है जिससे संबंध खराब हो। हाँ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सुरेंद्र मैं मर जाऊंगा। सुरेंद्र मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। सुरेंद्र छोड़ दो, छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बैठ बैठ। आज मेरा दिल धड़क रहा है तो कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है प्यारी प्यारी आंखें, इसे देखकर मुझे कुछ हो रहा है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी राज के हम सफर शिवा तक घर कुछ मस्तानी है। ए, सुबह इसी लड़की को देखा था। हाँ ये वही है क्या? चढ़ गई है तुझे, चल तुझे घर छोड़ देता। चुप कर। मैडम छोड़ दू क्या? अरे इतनी रात को कहाँ चल दी तुम अकेले अकेले? आ जाओ ट्रिपल सवारी चलते। आओ ना मैडम, बैठो। अरे आना, अरे आ जा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, मारेगी। ए बहुत उछल रही है, छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ दे? तू मुझे जानता नहीं है, छोड़ मुझे। बता दे। अरे भैया प्लीज बचाओ मुझे। किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। चुप रह। बचाओ मुझे। क्या चल यार, नींद आ रही है। आ मुझे बचाओ। पागल। ए यहाँ तुझे कोई नहीं बचाने वाला, चिल्ला मत समझी। भैया भैया प्लीज मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। भैया प्लीज। अगर भैया बोलेगी ना तो मैं वापस जा रहा हूँ। सोच ले, तुझे मैं ही बचा सकता हूँ। क्या रे हीरो, तू बचाएगा इसे?
माचिस की तिल्ली जैसा दिख रहा है तू, चिलगोजी के छिलके की तरह उड़ा दूंगा। छोड़ मुझे। मम्मी। समझा रहा था ना तुझे, अब एक भी नहीं बचेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, जोश जोश में। क्या रे, पीठ पे वार करता है? क्या रे जंगली, तू मुझसे लड़ेगा? ए चल चेहरा दिखा, घूंघट हटा। अरे गुस्सा हो गया क्या रे? आना, अब बचाना इसको। छोड़ उसे। ए हिम्मत नहीं तो काट डालूंगा। शिवा, मैं हूँ ना छोटा बेटा, मैं संभाल लूंगा। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? अरे क्या कर रहा है? काट डालूंगा इसको मैं। देख आगे मत, आगे मत, काट डालूंगा, काट डालूंगा। अरे यार, ये आ रहा मेरे पीछे। ए भाई, काट काट डालूंगा, काट डालूंगा तेरे को मैं। रात में अकेले क्यों निकली? हाँ, माँ की तबीयत खराब है, दवा लेने के लिए आई थी। मुझे थोड़ी पता था ये गधे मिल जाएंगे। अच्छा, तेरे घर पे और कोई नहीं है? हाँ पापा है ना, लेकिन पीकर सो गए। मैं तेरे साथ चलता हूँ, तुझे घर छोड़ के आता हूँ। चल रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। बोला ना, छोड़ दे। जरूरत नहीं है। अरे मैं जाना हो गया, जल्दी ऊपर नीचे। हम तो चलते हैं राहों में। ये क्या है? तुम औरतें उल्टी करती हो तो मर्द खुश हो जाते हैं, हमने कर दी तो घिन आ रही है। वाह पागल लड़की। हम तो चलते हैं राहों में। ए तू यहाँ क्यों रुक गई? तेरा घर यही है क्या? नहीं, घर पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। इतनी दूर साथ आया हूँ, घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं रहने दो, मैं चली जाऊंगी। रात काफी हो गई है, मैं घर तक छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ोगे? मैं जा रही हूँ ना, अभी घर देख लोगे तो सुबह सुबह वहीं आकर खड़े हो जाओगे। ए, ये तूने क्या बोला? एक तो मैंने तेरे को हेल्प किया, तू उल्टा मेरे को सुना रही है। बहुत चिड़चिड़ी भाई है, इसे वापस वहीं छोड़ देते हैं। जाकर जान पे खेल के इसे बचाया और ये घमंड दिखा रही है अपन को। कैसे चिल्ला रही थी, भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ। और अब देखो इसे, चल शिवा यहाँ से। अपने आप को मारा नहीं समझती है, चल छोड़ देता हूँ। नहीं है, तुम जाओ। दुर्गा की बेटी होगी लगता है, इसे लगता है हम इसका घर देख लेंगे तो सुबह सुबह इसके घर पे आ जाएंगे चाय पीने। जैसे अपने पास दूसरा कोई काम धंधा ही नहीं है।
अरे बैठ ना। अब बोल। सर, राजन ने आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई। किस लिए? उसका एक आदमी कल ट्रैक पे मरा हुआ मिला। ठीक है। वो कहता है कि प्लान करके मर्डर किया गया है, इसलिए इंक्वायरी होनी चाहिए। हे, कहीं कोई मर जाए तो उसका जिम्मेदार मैं हूं क्या? उसका दुश्मन मैं ही हूं? और कोई दुश्मन नहीं है क्या? अरे जा जा, चल जा। ये देख रहा है, बाथरूम में लग गया था। अब करूं क्या उसके ऊपर कंप्लेन? चल लिख, लिख उसकी कंप्लेन। क्या सुबह सुबह मातम की खबर सुना रहा है? नहीं सर। हाँ, उसके पास सबूत है। क्या है? आपने फोन पे जो धमकी दी थी वो रिकॉर्ड करके रखी है उसने। देखा जाए राजेंद्र कितना नीचे गिर गया है। क्या यार, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। ये तो तुम भी जानते हो कि कोई किसी की भी आवाज की नकल कर सकता है। क्या बोलते हैं उसे? मिमिक्री भाई। हाँ, उसी तरह का कुछ होगा ये। सुन, मैं भी एक सेलिब्रिटी हूँ भाई। क्या जाए? हाँ? ऐसा नहीं है सर। क्या क्या है बोलना, आने में आना है मुझे। सर, अपने एक दो आदमी भेज दीजिए, फिर मैं संभाल लूंगा। अजय, किसी को भेज दे। नमस्ते भाई। अब इसे क्या चाहिए? जाकिर वाली बात। हाँ भाई, जो करना है जल्दी कर। ए, कौन करता है बोलना नहीं, ये लड़के लोगों का काम है। हाँ? कौन करता है बोलने का नहीं। हाँ? अच्छे लड़के चाहिए, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, बोल देना। उन लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं है, पर मुझे तो है ना। हे, बोल दिया ना, ले लेना, जा। यहाँ तो हर गली एक ही जैसी दिख रही है। आप कहाँ जाएं? ए, चुपचाप बैठना। भाई एक चाय बना। एक नंबर की 420 है वो। कैसे सुबह से घुमा रही है हमें? यहाँ की नहीं वो, कहीं और की लगती है। चला के दिखा के भाग गई ना। ए, चाय दे भाई। आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। भैया रुको ना। अब ये पसंद आ गई क्या? एक और देना। अबे ये वही लड़की ये वही है। हाँ, एक और लड़की तो सही है भाई। सॉरी यार, कल बहुत हो गई थी ना, इसलिए आउट ऑफ फोकस हो गया था यार। हाँ ये पकड़ो, अच्छी है ना। आइसक्रीम ला लो, आइसक्रीम। चली गई यार। ऐसे ही होता है, पहले प्यार दिखाती हैं, उसके बाद नखरे शुरू। उसने अपन को प्यार से देखा ना? हो सकता है यार। क्या हुआ भाई, कौन है आप? ए, क्या हुआ, ये कौन है? पता नहीं यार, कुछ बात करनी है। बात करनी है तो ढंग से करें ना, इस तरह क्यों? तुम शिवा हो ना? सुनो, मैं दास हूँ और ये शिवा है, बोलो काम क्या है? वो सब छोड़ो यार, तुम लोग कौन हो, क्या करते हो, तुम लोग कितने काबिल हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे पास एक धांसू आइडिया है, तुम लोगों को बताता हूँ, वो तुम भी करो। ओए, तूने जो बोला सर के ऊपर से गया। ओए, चल। अरे रुको ना यार,
मैं बात कर रहा हूँ ना। जो बोला सौ सौ बोल। उसने बिल्कुल सही कहा, जो तू बोल रहा है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। तुम लोग भी ना, A1 बिजनेस है, हाथ की सफाई चाहिए, सुकून मिलेगा और ढेर सारा पैसा भी। भाई इसका ख्याल तुम्हें रखना होगा, पुलिस का कोई लफड़ा नहीं होगा। सुनो, मुझे ये सब गलत लग रहा है, हमें इसमें नहीं पड़ना है। ए, चल। ए, रुक जा यार, मैं बात कर रहा हूँ ना। तू जा रहा है? हाँ छोड़। हैं? हाथ तू पकड़ा। दास, 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 छोड़ से। चल दास, सब देख रहे हैं यार। ए, चल भाग। तू भी चल। तुझे तो कभी गुस्सा नहीं आता था, भाभी का गजरा गिराया इसलिए गुस्सा आया? अरे नहीं यार, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। ए, बाहर आना, भाभी के बारे में सोच रहा है क्या? अरे नहीं यार, उसने जो बोला वो सोच रहा हूँ। किसे कर रहा है? हाँ बोल यार। मारी, कहाँ है तू? अड्डे में चाय पी रहा हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, एक आदमी आया था, हम जो काम करते हैं उसे पता है। ये बता, उसे ये सब कैसे पता चला? ए, कहीं तू मेरे पे शक तो नहीं कर रहा है ना? नहीं यार, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ इसलिए पूछा। वैसे कौन हो सकता है? इसके पहले कभी नहीं देखा, नया लग रहा है। मेरा और शिवा का नाम भी जानता है वो, हमारे बारे में जानता है वो, हमें काम भी देने आया था इसीलिए टेंशन में। दास थोड़ा होशियार रहना होगा, उस आदमी ने तेरा और शिवा का नाम बताया है, मतलब उसको हमारे बारे में सब पता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर एक फंसे तो सब अंदर जाएंगे, समझ गया ना? शिवा को समझा देना, कहीं पी के कुछ बक ना दे, समझ रहा है ना तू? चल रखता हूं। हाँ। हे, उसकी बात का भरोसा मत कर, नीचे आ। कैसे हो भाई? ए, भाई को एक चाय देना। हाँ। भाई भाई भाई, अरे भाई क्या हुआ भाई, मार क्यों रहे हो? अरे अरे क्या कर रहे हो, बाहर जाके लड़ो। अरे भाई आप बैठो ना, आराम से बैठो, टेंशन में क्यों हूँ? क्या बात है भाई? देखकर पता नहीं चल रहा क्या, सब तेरे फ्रेंड्स ने किया है, तूने बोला इसलिए मैं उनके पास गया था, देखा क्या हाल बना के भेजा है। उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं, देख उनकी क्या हालत करता हूँ अब, मैं नहीं कर पाऊंगा पता है, लेकिन धर्मा के हाथ पैर पकड़ के बदला जरूर लूंगा। अरे क्या आप भी इतना टेंशन काई को ले रहे हो, उन लोगों को अकल नहीं है भाई, किससे क्या बात करनी उनको समझ में नहीं आता। क्या हुआ, खत्म हो गई? ए सुन, भाई को एक सिगरेट देना। देता हूं। ये लो भाई पियो। आपके बारे में मुझे पता है, उनको कुछ पता नहीं है। देखो भाई, उनको कुछ करना मत, वो क्या मेरे दोस्त है ना, उन लोगों को पता नहीं है कि आप क्या चीज हो भाई। अरे मैं उनसे बात करता हूँ ना भाई, मैंने उनसे बहुत सारे काम करवाए हैं। पता नहीं इस बार इतना क्यों चल रहे हैं भाई, उनकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। चाय का ऑर्डर दिए, बहुत टाइम हो गया, लेकर आने का बोल। ए, भाई को चाय देना है। भाई कुछ काम है तो बोलो ना, अपन करेगा। क्या कर रहे हो, पानी भर गया। ये तो ऐसे घूम रहा जैसे बेबी की डिलीवरी होनी हो। ये घूर तो ऐसे रहा जैसे हम आतंकवादी हो। ए भाई, इस एरिया में सब हमें ही घूर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो इससे पहले निकल लेते हैं। अब तू भी घूर रहा है मुझे, उस लड़की को खींच कर लाऊं क्या यहाँ? उसे देखकर लगता नहीं कि कितनी बड़ी पागल है। भाई वो दास बार बार फोन कर रहा है, तेरे लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहा है, चल यहाँ से। तू ऐसे नहीं जाएगा, अभी दिखाता हूँ। अबे आज उस बकरी को मैं हाँ हाँ, सारे घर एक जैसे ही लग रहे हैं। आइस वाला पालाइस बनाना स्ट्रॉबेरी, ये आइस 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 आइस। ए,
ये कौन है? सोचा था मछली आ गई, ये मच्छर कहाँ से आ गए? ए बच्चों, क्या दीदी, कहाँ गया आइसक्रीम वाला? पता नहीं दीदी, आवाज तो आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। आइसक्रीम, अच्छा किया। सुनो, एक चाय पिलाओ ना बेटा। अब फोकट में आती है क्या रे? चल भाग। यार क्या प्यार से देखती है मुझे। अबे आइस वाले को भी वैसी देखती है। अबे मनहूस। छोड़ छ। मैंने गलत बोला क्या? कौन हो तुम? क्यों घर के सामने बेवजह खड़े रहते हो? क्यों, मुझे पहचानती नहीं है क्या? नहीं पहचानती। ओ, देखा ना, इसे ढूंढ ढूंढ कर हम कितने दुबले हो गए और ये हमें भूल गई। ए, पहचाना नहीं क्या हमें? नहीं। ए, पगली, एक पड़ेगी सब याद आ जाएगा। ए, आवाज नीचे कर। ए, ये आंखें अपने पति को दिखाना। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। ए? सच में क्या? मेरी भी नहीं हुई है। तुझे पता नहीं है, मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं। गुस्सा आना भी चाहिए, तू इतनी अच्छी जो दिखती है। तेरे पापा लड़का नहीं ढूंढ रहे क्या? जो बोलना था बोल दिया, अगर तुझे मारी खाना है तो तेरी मर्जी। ए, चल चलते हैं। ए! क्या? तेरी शक्ल पे लिखा है झूठ बोल रही है, साफ दिखाई दे रहा है। कल अपनी जान पे खेल के तेरी इज्जत बचाई, तू मुझे नहीं भूल सकती। और मैं भूलने वाली चीज भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जैसे लड़के शेर का दिल रखते हैं। ओ भाई, मैं भी हूँ क्या? मुझे पता है तू मुस्कुरा रही है, चल जा। सही है यार, वो लड़कियाँ हंस रही है, सही बोल रहा है। यार अपन है इतना हैंडसम, लड़कियाँ मुस्कुराई देती है। अरे बाप रे, कितनी भीड़ है यहाँ। चल सलाम चाचा। वालेकुम सलाम चाचा। हे, कहाँ गया था? कहीं नहीं। चलो हटो 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 हटो। आराम से दादी। कौन है वो लड़की? हे, उसे क्या देख रहा है तू? मैं तो उससे पूछ रहा हूँ। मैं किसी लड़की को नहीं जानता। भाई मैं चाय पी के आता हूँ, जल्दी आना। हे, तेरा चेहरा देख के पता चल रहा है तू मुझसे कुछ छुपाना चाहता है। हाँ छुपा रहा हूँ। तू ऐसा बोलेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा क्या? दोस्त की मदद के बिना यहाँ प्यार करने वाला कोई नहीं है। अबे हट। तूने मुझे तो बड़ा ज्ञान दिया था और हमेशा साथ में रहता था। तेरे पास दिमाग कम है रे, इसलिए मैं तेरे साथ घूमता था। ऐसा है क्या? फिर इसके साथ क्यों हमेशा घूमता रहता है? हा? अरे भाई, मस्ती 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 मस्ती। देख अब तू शादीशुदा है, हा? मैं गर्लफ्रेंड पढ़ाने जाऊंगा, वहाँ पुलिस आई मुझे डंडे मारे तो तू भी खाएगा क्या? बड़ा आया। नमस्ते चाचा।
सुबह लेट क्यों हुआ रे? अरे कुछ नहीं भाई, एक और शादी के लिए रेडी हो जाइए क्योंकि सर रेडी हो गए हैं। क्या दास, तू भी इनके साथ रहकर बर्बाद हो रहा है, ये तो है ही ऐसे। अरे चाचा आखिर प्रॉब्लम क्या है? तू चुप रह। अरे ए दास, तेरी तो बीवी भी आ गई, कल को बाल बच्चे भी होंगे, अगर इसी तरह हफ्ते में दो दिन काम पर आएगा तो क्या बचेगा तेरे पास? चाचा अरे नहीं बचेगा तो क्या हुआ? शरीर में जब तक ताकत है तभी तक कुछ कमा सकते हैं। अरे अरे, जब हम लोग आपके साथ हैं तो आपको तो टेंशन लेनी नहीं चाहिए चाचा, ज्यादा सोचोगे तो बीपी बढ़ जाएगा, टेंशन मत लो। आप है तो डर किस बात का? अच्छा ठीक है। ये भाई, लगता है उस पगली के यहाँ कोई फंक्शन है, आज खाना वाना यही है क्या? यही रहती है क्या वो? हाँ यही रहती है, जाके चाय बोल दे। बड़ा आया चाय पीने वाला, मैं तो समोसे खाऊंगा। हम लोगों के लिए बोल। देख तूने आने को बोला था, मैं ले आया, अब मैं सर यहाँ बैठ के तमाशा देखूंगा। ए, पापा से पूछा क्या? ये कौन है? दिखता नहीं है, मैचिंग मेरी वाली आई है। क्या हुआ, घूर क्यों रही हो? कुछ गलत बोल दिया क्या? घर के अंदर घुसी रहती हो, हम क्या करेंगे, बाहर भी आ जाए करो हमारे लिए। बाहर किस लिए घूमूं, मेरे घर पे बहुत जगह है। हाँ, तेरा बाप बहुत बड़ा आदमी है, बंगले बनाकर भाड़े पर दिए हैं उसने। अपने फ्रेंड को आने को बोल, मेरा दोस्त वेट कर रहे हैं। वो नहीं आने वाली। क्यों नहीं आएगी? उसके घर पे लड़के वाले आए हैं। क्या बोला तूने? क्यों सुनाई नहीं दिया क्या? उसने पहले ही बोला था ना कि उसके पीछे मत घूमो, किसी अच्छी लड़की को परेशान करोगे ना तो ये लो यही हाल होगा तुम्हारा, चलो जाओ। पता नहीं भैया। शिवा, क्या हुआ शिवा, बोलना। अरे बताना यार क्या हुआ। अबे चल यहाँ से, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तूने कहा था मुस्कुराई थी। हाँ मुस्कुराई थी, तो क्या करूँ भैया। भैया ये शिवा दास उसके घर जा रहा है। ए दास कुछ गड़बड़ मत कर। दास रुक जा, कहाँ गया रे वो, उसका घर कौन सा है? ए घर में फंक्शन है पता है ना, बाहर बहुत चप्पलें होंगे, चल। क्या रे, ए दिमाग घट गया क्या? चल चल मेरे साथ। मैंने कहा ना चल। दास, अरे ये कौन सा फ्रूट है, खट्टे हैं क्या? मैं इसका फ्रेंड हूँ, ये और आपकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने नहीं कहा कि वो प्यार करती है। शिवा जो बात करनी है अभी कर। हाँ, इसने कोई मर्डर किया है क्या? लड़की क्या सोचती है, उसके दिल में क्या है, कभी आपने उससे पूछा? लड़की की पसंद से शादी नहीं करवा सकते हो क्या? बचपन से उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसके बाद भी उसके दिल की बात नहीं समझ पाते हो आप लोग। हाँ, कौन है, यही लड़का है क्या, इस बुड्ढे के साथ उसकी शादी करा रहे हो? हाँ, कॉमन सेंस नाम की चीज ही नहीं है। सुनो, पहले ही बता देना चाहिए था ना कि तुम्हारी बेटी का कुछ चक्कर है। तुम लोगों को शर्म नहीं आई? अरे कितना खर्चा करवाया, एप्पल लाए, फूल लाए, मौसम्बी लाए, कितना खर्चा हुआ, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे यहाँ आने के बाद पता चला कि तुम्हारी बेटी का असली रंग क्या है, पता नहीं कहाँ से फंस गए हम लोग। अब ये रिश्ता नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो ये रिश्ता हम नहीं करने देंगे। हम लोग इज्जतदार लोग है, ऐसे वैसे लोग नहीं है, क्या सोच के रखा था? जिसकी सगाई हो रही है, बस कुछ भी बोल देते हैं, जरा सी भी शर्म है क्या तुम लोगों में? अबे बस सही बोल रहा है, बोल दिए अपनी बेटी के बारे में चाहिए थी। मुझे दो चाहिए क्या बुड्ढे, बांधने चले, अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तू बाहर आ, तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगा। अरे हमारा मुंह क्या देख रही हो, अब अपनी बेटी की शादी इन लोगों से कराओ। अरे मेरे बेटी की उम्र ही क्या है, उसे तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। अरे चलो यहाँ से, जाने दो, मेरी बात सुनो, अभी यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना, चलिए। यार कुछ कहना है। क्या है? वो लड़की अलग है। लड़की अलग है तो क्या हुआ, प्यार नहीं कर सकती है क्या वो? अबे दास सुनना भाई, ये मेरी वाली नहीं है। निकल लेते हैं गुरु, अगर दूसरी लड़की है तो हमारा यहाँ क्या काम है अब? दास आज बहुत काटे जाएंगे। कहाँ चले गए? छोटे छोटे, किसी को बोलता नहीं मैं यहाँ हूँ, मैं तुझे दो आइसक्रीम ला के दूंगा, ठीक है? सुनो भैया,
क्या हुआ? उस तरफ मत जाओ, उस तरफ आदमी है, इस तरफ से जाओ। धन्यवाद, आप कौन है? मेरी सगाई हो रही थी यहाँ पर। धन्यवाद भैया, मैं इस सगाई को रोकना चाहती थी लेकिन आपने आके रोक दिया। तेरी तो अब नहीं भाग सकता यार। ए, वो मोटा कहाँ गया? ए, ए, जा रहे, क्या औरतें हैं वो, अब एक गधे की तरह धो डाला मुझे। जान बचा कर भागा मैं वहां से, मुझसे नहीं होगा अब। बाप रे, अरे बाप रे, अब तो फंस गए बेटा, गए लगता है। यहाँ जान पे बनाई और तू रोमांटिक हो रहा है। ए, दिमाग नहीं है तुझमें? ये क्या कर दिया? ऐसे किसी की शादी रोकते हैं? बड़े आए प्यार करने वाले, और ये कौन है? तुम्हारा फ्रेंड है, बहुत अच्छा किया। आप तो इनसे बड़े हैं ना, देखा मेरे फ्रेंड की लाइफ खराब हो गई। ज्यादा भाव मत खा, तेरी फ्रेंड उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, हमारी वजह से सगाई रुक गई, इसलिए थैंक्स बोला। अगर आज मेरी सगाई होती तो? वो भी रोक देते, उसके लिए तो हम लोग आए थे। मैं तुम्हें डांट रही हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो। अपु नहीं ऐसा। कैसा? I love you. I love you too. Bye. सुनो, अगले हफ्ते नीचे रहने वाले फ्रेंड की सगाई है, वो आकर मत रोक देना। मेरी जब होगी बताऊंगी, तब आना। अब क्या सोच रहा है? हो गया काम। कहाँ जा रहे हो? हाँ, बाहर जा रहा हूँ। वही पूछ रही हूँ, कहाँ? बाहर जा रहा हूँ। बाहर कहाँ जा रहे हो? वो थोड़ा काम था मुझे। कहीं नहीं जाना आपको। क्या हुआ? जाके सो जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सो जाओ। क्या हुआ तुम्हें? ऐसा क्यों बोल रही हो? कहा ना किसी काम से जा रहा हूँ। काम? कैसा काम? इतनी रात को क्या काम है? hey, फिल्म देखने जा रहा हूँ, शिवा वेट कर रहा है ना मेरा। मत बोलो, 11 बज रहे हैं, इस वक्त कौन सी फिल्म देखोगे? मेरे बगैर तुम फिल्म देखने कभी नहीं जाते थे। इतना झूठ क्यों बोलते हो तुम? हे पागल। सुनाई नहीं दे रहा है, मैंने कहा ना जाके सो जाओ। hey, हटो ना। नहीं हटूंगी, मुझे पता है वो लोग आ गए हैं, अब तुम सब मिलके किसी के घर में चोरी करोगे ना। दिमाग खराब मत करो, सामने से हट जाओ। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? क्यों इतने सवाल कर रही हो? करूंगी और सवाल करूंगी, जब यही सब करना था तो शादी क्यों की? चिल्लाओ मत, चुप रहो। मैं बोलूंगी, तुम्हें क्या लगता है उन चोरी के पैसों से हम दोनों खुश रहेंगे क्या? तुम बाहर किसी के साथ कुछ भी करो और मैं सवाल भी ना करूं। हे क्या बोल रही हो? बोलूंगी और बोलूंगी, तुम चोरी कर रहे हो तो तुम्हारा बच्चा भी चोरी बनेगा। चुप हो जा, नहीं तो।
ए, गिनती करने के बाद पिया कर, पैसों का मामला है। एक ही बैग तो भी है, कितनी बार कहा नोट गिनने वाली मशीन ला दो, अभी तक लाई रहे। भैया भैया क्या है? शराब है क्या? पूरी दुकान भरी है, पर अभी नहीं दूंगा। क्या भैया कॉमेडी कर रहे हैं क्या? एक बार बोलो ना, चल निकल भाई। भाई भाई भाई, सारी दुकानें बंद हो गई क्या? बोलिए भाई, पता नहीं यार। प्लीज भाई, ए कहीं और से जाके ले ले, समझा भाई? सोने देना, क्यों चिल्ला रहा है भाई? सब बंद हो गया है ना, क्यों कस्टमर को इतना कष्ट दे रहे हो आप लोग? ए कुछ ज्यादा ही बोल रही है। ए तू जा रहा है कि बोतल फेंक कर मारू मैं? भाई आपको मारना है मार रहा हूँ, लेकिन शराब दे दो। एक क्वार्टर 150 रुपए का है, चाहिए क्या? क्वार्टर है भाई, बोला ना मिल जाएगा 150 का। भाई आप कुछ ज्यादा ही दाम बोल रहे हैं। अगर चाहिए तो बोल, नहीं तो निकल यहाँ से। ठीक है भाई, ठीक है, लाइए दीजिए भाई। ए एक फूंक देना भाई, जाने दो ना उन्हें, ये आप उनका धंधा है, नहीं दिया तो पाप लगेगा। ला पैसे दे, देना। ए, ए, कोई नकाब में आया है, जल्दी कर, जल्दी 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 कर, अरे पैसे कहाँ हैं? बता कहाँ है? पैसे नहीं है, कलेक्शन चला गया। पैसे कहाँ है? ए जरा घुमा तो, कैसी आवाज है अंदर, कोई है क्या? सर अरे कुछ नहीं, दुकान के लड़के लोग ही हैं। अभी कुछ आवाज आई थी, क्या हो रहा है? यहाँ पर एक लड़का शराब पी के नीचे गिर गया है। जरा शटर खोल। सर कलेक्शन की वो पैसे गिन रहे हैं। सर आपको बियर वियर लेनी है क्या? प्यार है, हम पे इतना प्यार कैसे आ गया? अरे सर पियो ना सर। पिए क्या? हाँ ठीक है, जल्दी कर। चल निकलते हैं। अबे क्या हुआ? थोड़ा रुक जाना, जल्दी क्या है, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, उनके आते ही साथ में चलेंगे। देखा, चूहे खुद ही जाल में फंस गए, हमें शराब पीने की दावत दे रहे थे। ए, हम पुलिस वालों को बनाते हो? तुम्हारे जैसे हजार मिलते हैं रोज हमें। चुपचाप अंदर बैठे रहो, साहब आएंगे तभी दरवाजा खुलेगा, अंदर ही बैठ के पीते रहो। ए, शटर खोल। ए,
पुलिस वाले से ऐसे बात करेगा? खोलना। नहीं खुलेगा, चुपचाप बैठ। जल्दी खोल। खोल वरना इसको जान से मार दूंगा। छोड़ दे उसे। जल्दी खोल, खोल। तू पैसा ले और निकल यहाँ से। ए, बोला ना छोड़, निकल। ए, नीचे नीचे रखो सर। आ गया। मेरी बात सुन, क्या कर रहा है? छोड़ से। पीछे हो, पीछे हो। मार दूंगा इसे, जान से मार दूंगा, आगे बताना। छोड़, अभी मैं बोल रहा हूँ। निकल दास। छोड़ से, चल छोड़। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पुलिस की जीप। आ जाओ, चल से जाते हैं। मार मुझे। पकड़ो। अब उधर। पकड़ो उधर। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। चल घबरा, चल 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 चल। शिवा रुक जा यार, शिवा मुझे नीचे उतार दे यार, प्लीज। चुप कर यार, बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, नीचे उतार दे प्लीज। चुप कर यार। बहुत दर्द हो रहा है ना, मैं तुझे लेके चलता हूँ। नहीं यार, दास चला यार। नहीं हो रहा यार, तू चला जा, तू जाना यार, मुझे छोड़ दे यहीं। तू जा यार, तू जा यहां से, जाना शिवा। मैं अकेले नहीं जाऊंगा। तू जाना यार, जा। अम्मा।
सुनो, उसके चेहरे से मास्क निकालो। भागेगा, भागेगा तू? अभी सब तेरी हेकड़ी निकलेगी। रुको, बस बहुत हो गया। कहीं वो मर ना जाए। गाड़ी में डाल दो। इसके साथ एक और है, उसे भी लेकर आओ। ए, इधर आ। सर, हाँ, इनमें से किसको फर्स्ट अक्यूज बनाऊं? पर क्यों सर, जो भाग गया ना वही मेन लग रहा है। वाइन शॉप वाले भी यही कह रहे थे। ए, अरे वो सब मत लिख, कल कोर्ट में बोलेगा तो कहां उसे ढूंढेंगे। इतना मारने के बाद भी ये नहीं बता रहा है। क्यों रे, बताएगा वो कहाँ है? अगर तूने बता दिया तो तेरी सजा कम हो जाएगी। पता नहीं सर। पता नहीं। इसको A1 A2 में डाल, उसे वेटिंग पर रख, जब मिलेगा तब देखेंगे। नमस्ते सर। आओ। हाँ सर। सर आपने मुझे बुलाया? इसके घर पर जाना है। ए, कौन सा एरिया है तेरा? काशी। कौन से नंबर के लिए? क्या पूछ रहा उससे? किसी एक को गाड़ी में बिठा। ए, जाके शर्ट पहन क्या? है पांड्या जी, इधर आ। हाँ सर, बोलिए सर। कल गांधीनगर में कौन कौन गया था राउंड पे? मैं, मूर्ति और महालिंगम गए थे। मैंने महालिंगम को ले जाने के लिए मना किया था ना, क्यों लेकर गए थे उसे? नहीं सर, वो आदमी नहीं थे इसलिए। क्यों? सुरेश कहाँ था? उसके किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया था तो इमरजेंसी में जाना पड़ा उसे। सर, इसे मत ले जाइए, मैं आपके साथ चलता हूँ, पर इसे मत ले जाइए। तू मुझे ऑर्डर दे रहा है? जा जाकर बैठ। सुना नहीं क्या? जाकर बैठना। आज के बाद कोई भी छुट्टी करे सर, मुझे इन्फॉर्म करना। जी सर। सर, सर इसे बहुत चोट लगी, इसे अस्पताल ले जाइए, मैं चलता हूँ ना सर। ए, तुझे बैठने को बोला ना? सर, घर पर इसकी बीवी है, इन लोगों की नई नई शादी हुई है, उसका दिल टूट जाएगा सर। तो अब तुम लोगों को शर्म आ रही है? ए, उसे ले चल। ए, क्या यही है घर? हाँ सर। अरे जाओ, जाकर देखो क्या है। जाओ। दास कहाँ है शिवा? दास क्या तुम्हारा पति है बेटी? हाँ सर, कहाँ है वो? लॉकअप में वो सुरक्षित है, तुम बस अलमारी की चाबी निकाल कर दो। ए गोविंद। सर, तेरे घर में कौन सी टीवी है? सादा टीवी है सर। इधर देख, कलर टीवी। ये है सर। क्या है इसमें? गहने। और कुछ नहीं मिला? नहीं सर। लेकर चलो। चेन उतारो। सर, चेन उतारो। ये मंगलसूत्र जैसा है, उन्होंने दिया है। कौन? तेरे पति ने? अरे किसी के गले से निकाल कर तुझे दिया होगा, उतारो।
ये उसकी माँ ने दिया है। ए, उसे गाड़ी में बिठाओ। जाओ उतार कर ले आओ। ए, सुन लेकर आ। सर आ, क्या हुआ? दास और शिवा से मिलना है। उनसे नहीं मिल सकते, जाओ मिलने दीजिए ना प्लीज सर। ए, ये वाइन शॉप के केस में दो लोगों का अरेस्ट किया था ना, उन दोनों से मिलवा दे। थैंक्स सर। अगर किसी और धारा में अंदर करेंगे तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे लगता है गुंडा एक्ट में ही अंदर डालेंगे। मां बनने वाली है यार। मैं मारी बोल रहा हूँ। हाँ मारी, कहाँ पर है तू? मैं शहर में ही हूँ। अरे कितने कॉल किए तुझे? वो सब छोड़ो, केस का क्या हुआ? केस बड़ा हो गया है, उनका बाहर निकलना मुश्किल है। क्या बोल रहे हो तुम? तू इस एरिया में मत आना, तुझे भी किसी केस में उठा के अंदर डाल देंगे। तू अब करना क्या है? तू एक काम कर, छोटी मोटी केस में अंदर चला जा, यहाँ का जो केस है वो पूरा खत्म हो जाएगा। चलो बाहर निकलो, बार बंद करना है। यही है, ले चलो इसे, ले चलो। चल खर्च के लिए पैसे तो है ना सुमति? नहीं दास, पुलिस वाले सब कुछ लेकर चले गए। हे अरु, मारी को कॉल करना यार, वो कुछ मदद कर देगा। सुमति, आरु के पास नंबर है, एक बार तुम ही बात करो ना। काम पे मत जाना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। सुमति लाइन में क्यों खड़ी हो? आ गया। अरे अरे क्या कर रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, पहले इसको लेने दो। अगर कहीं जाना हो तो बताना, मैं साथ में चलूंगी। अरे अरे उठो 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 यार, ये रख ले भाई। अरे रख ले यार, आज क्या है? शादी की सालगिरह है। सालगिरह है? देखा दिन कैसे गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। क्या यार, एक साल हो गया और कोई खुशखबरी नहीं? भाई थोड़ा सेटल हो जाओ तो। मेरे पास है, तुझे क्या सेटल होने की जरूरत, मैं सब देखूंगा ना। सुन जय, सारे काम सही समय पर ही होने चाहिए। अब जा, इसे कहीं घुमाने ले जा। ठीक है भाई, अरे जा, एंजॉय। नौकरी करने लगी क्या? मारी को कॉल किया था, उसने फोन उठाया। तुम मेरे पति हो ना,
तुमसे शादी की थी ना मैंने, तो मैं दूसरों के सामने हाथ क्यों फैलाऊं? सुमति को तूने उसका नाम क्यों बताया? क्यों, क्या हुआ? वो कमीना हमें धोखा देके भागा, इसीलिए बंदर है। देखो इस वक्त तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है, वीकनेस काफी है, खाने पीने पे ध्यान दो। दास, तुझे बेटा हुआ है यार। ए, दास, क्या हुआ? ए दास, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? सुमति दरवाजा खोलो ना। सुमति मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। सुमति नहीं खोलूंगी, मैं नहीं खोलूंगी, तुम चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। दरवाजा तो खोलो, मेरी बात सुनो सुमति, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी दरवाजा, तुम चले जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी, बहुत सुन चुकी हूँ मैं, जाओ तुम, दया करके चले जाओ। मैं बदल गया हूँ सुमति। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए बदलने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? तुम वहाँ क्यों गए थे? मेरे मना करने के बाद भी। अभी तुम यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे सामने कितना रोई, अपने बच्चे की कसम भी दी, पर तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं। ऐसा नहीं है, इसलिए कह रही हूँ जाओ यहाँ से। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी सुधर पाओगे, कल फिर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। मैंने बच्चे को जन्म दिया तो मैं उसे पाल लूंगी अपने बच्चे को। मुझे अपने बच्चे का चेहरा देखना है, दरवाजा खोलो ना। Oh, my God.
भी काम छोड़ोगे तभी अंदर आना, वरना चले जाओ यहाँ से। चचा चचा ये लोग आए हैं चचा। शिवा कोई फोन आ रहा देख। हाँ कौन है? Hey, कौन है? उस कमीने की गाड़ी राज के सड़क के पास देखी गई है। शिवा क्या हुआ तुझे बताना। कल मैंने रेवती को देखा पर पहली बार वो मुझे प्यार से नहीं गुस्से से देख रही थी। छोड़ना शिवा वो क्या कर सकती आखिर, तुझे बताया नहीं उसकी शादी हो गई। ये क्या बोल रहा है? हाँ शिवा तुझे बता भी देता तो क्या करता, बोलना। पर मैंने उसे कल ही देखा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो अपना जीवा है ना, उसी के पहचान का कोई लड़का है, उसी से उसकी शादी हुई है। सुना है लड़का दुबई में काम करता है, इस समय वो अपने माँ से मिलने आई हुई है, कुछ दिन यहीं रहने वाली है वो। ए, इसे बोल जाने को। ए, शिवा ए, जाने को बोल, बोल इसे जाने को। ए, क्या चाहिए तुझे? इतना चिल्ला क्यों रहा है? चिल्लाना तो मुझे चाहिए। तुझे क्यों चिल्लाना है? क्या क्या है मैंने? साला रोड पे पैदा हुआ, गलियों में बड़ा हुआ, जैसा सीखा वैसा किया, पर तूने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? मैं जानता हूँ गलत किया, पर तेरे साथ तो गलत नहीं किया था ना, तूने क्यों धोखा दिया? अंदर क्या गया? शादी करके चली गई। धोखेबाज। क्या बोला? शादी करके चली गई? कौन? सारी गलती तेरी है, तूने शादी क्यों की?
तू तो अंदर बैठा था, तो शादी किससे करूंगी? और ये मंगलसूत्र? ए, ऐसा तुझे किसने बोला? देखा मेरा परफॉर्मेंस? तेरी तो परफॉर्मेंस की रुक। ज्यादा हंसो मत, मेरा गुस्सा अभी तक गया नहीं। तो फिर यहाँ क्या करने आई? और कल मुझे देख के अनदेखा क्यों किया था? तुझको मेरे अलावा कोई दिखता नहीं है क्या? पीछे मेरे पापा थे, देखा नहीं तूने? अपने आप को क्या समझता है? जेल से छूटकर आया है और माँ बाप शादी कर देंगे? मैं मानता हूँ गलती, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अनजाने में हो गया। ये सब कहानियां मुझे मत सुनाओ। तुमने ऐसा किया फिर भी मैं मिलने आई हूँ। सॉरी यार। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक्स। एक बात बता, तेरे बाप को गुस्सा नहीं आता क्या? कल मैंने इतनी गालियां दी उसे, फिर भी दांत दिखा के हंस रहा था। बड़े गंदे दांत है तेरे बाप के। अरे तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं भैया? मैं भी ठीक ही हूँ। और भैया आप कैसे हैं? मैं अच्छा ही हूँ। सिंदूर लगवाने वाली थी, चूना लगा के निकल। क्या कहा? जोड़ी अच्छी है तुम दोनों की। देखो भैया, ये मेरे हस्बैंड है। नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ खुश रहो, लग रहा है कबाड़ी के यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीद लिया। क्या बोले? दुबई से आए हो क्या? हाँ भाई। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, बाद में मिलती हूँ, बाय भैया। नमस्ते। बोलो सुमति, क्या हुआ? कब? रखो मैं आ रहा हूं। क्या हुआ यार? गाड़ी घुमा। पर हुआ क्या? मैं कह रहा हूं गाड़ी घुमा। दास, वो एकदम ठीक था दास, पर अचानक से पता नहीं उसके हाथ पैर और चेहरे पे ना दास। क्या हुआ भैया? तेरी तकलीफ में समझ रहा हूँ दास, अभी मैंने राजू को पैसे दिलवाए थे और तुरंत तू आ गया मांगने। अभी इंतजाम करना मुश्किल है। देख मेरी बात का बुरा मत मानना, जेल से आने के बाद भी मैंने तुम्हें नौकरी दी, तुम अच्छे लड़के हो इसीलिए मैंने दी। यहाँ पर रहने वाले लोगों को अगर पता चल गया तो वो मुझसे हजार सवाल करेंगे। अब तुम तो जानते ही हो कि यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि 5,000 रुपये अपने पास से दे सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। दास मेरी बात सुन, दास मेरी बात तो सुन, मैं कह रहा हूं कि कॉलर छोड़, कॉलर छोड़। ए देख देख दास, छोड़ो, क्या कर रहा है तुम दोनों? छोड़ो छोड़ दास, छोड़ दे। ए शिवा,
तो इसको समझाना यार। तू चल यहां से। ए, मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन लो फिर चले जाना। एक बहुत बड़ा काम आया है यार, हम तीनों मिलकर कर सकते हैं ये काम। तूने अनजाने में क्या तो एक साल तक छिपा क्यों रहा, चल। ए ए ए, ए शिवा शिवा सुनना, ए दास मेरी बात तो सुन। देख शिवा, बस आखिरी बार, फिर दोबारा कभी नहीं बोलूंगा करने को। देख हम तीनों सेट हो जाएंगे यार। देख ए दास, मेरे लिए ना सही यार, अपनी फैमिली के लिए कर ले। तू हम दोनों से दूर रहना, धोखेबाज। उस दिन पता है क्या हुआ? वो मेरे सामने खड़ी थी, मुझे रोक रही थी, लेकिन मैं माना ही नहीं, और मैं वो आज तक भुगत रहा हूं। मैं ऐसा नहीं हूं यार। वो चाहती क्या थी कि जब तक उसका बच्चा उसके पेट में, मैं बस उसका हाथ पकड़ करके उसके साथ रहूं और कुछ नहीं यार। लेकिन वो भी मुझसे नहीं हो पाया। बोल मारे। ए, क्या ये सब? बता क्या करना है। ए, मैं मना कर रहा हूं ना, तू उससे क्या पूछ रहा है? ए, चल जा यहां से। तू चुप रहेगा दास? क्यों चुप रहूं? तूने यहां पे बुलाया ही क्यों इसे? मैं कह रहा हूं ना, चल यहां से। यार बात को समझ, तू बोल मारी। उससे क्या पूछ रहा है तू? वो जो कहेगा उसे करने वाला है क्या? उसकी बात तो सुन ले, हमारी हालत कौन सी ठीक है? तो क्या, सुमति को क्या जवाब दूंगा मैं? मैं नहीं चाहता कि तू आए, मैं और मारी करेंगे, तू सुमति के पास जा। ओ, उस दिन ये तो हमें छोड़ के चला गया था, तुझे भी चला जाना चाहिए था। तू क्यों आया मेरे पीछे? क्या बकवास कर रहा है? अगर करेंगे तो सब साथ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, समझा ना तू? यह है धर्मराज और यह है इसकी अंगूठी। उसने बहुत पैसे देकर वो अंगूठी खरीदी है। अंगूठी का रेट लाखों में है, हम बेचकर उतना नहीं कमा पाएंगे। वो अंगूठी निकालकर किसी को देनी है। नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत रिस्क है। जरा भी रिस्क नहीं है शिवा, वो बस देखने में खतरनाक है, हम ये आसानी से कर लेंगे। नहीं मारी, वो एक बहुत खतरनाक आदमी है। चाहे वो कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, हर किसी की कमजोरी होती है, और उसकी कमजोरी है लड़कियां। मैंने एक लड़की से बात कर ली है, वो हमारा साथ देने को रेडी है। बाहर के आदमी को हम संभाल लेंगे। क्या सोच रहा है? जय, आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहा है। बीबी पेट से है भैया। ए, गाड़ी साइड में लगा, चल उतर। भाई उतर कर मेरे पास आ। ये रख। अरे रख।
अरे रख रख और जा भाई, भाई जा वो... कर अपनी बीबी के साथ समय गुजार। भाई, भाई क्या बात है भाई, कोई भाई जा भाई सुनिए तो। अरे जा यार भाई, मेरी बात सुनिए। चलो मिलते हैं, ध्यान रख भाई। भाई ऊपर जाना आसान नहीं होगा। रवि ने फोन किया था? कब फोन किया था? हाँ? क्या हुआ? तू रुक, मैं देख के आता हूँ।
अरे अरे ये लोग कौन है? तूने उसे मारा क्यों? मैं उसे मारने के लिए ही गया था। तूने झूठ क्यों बोला? ऐसे बोलता तो तुम लोग आते क्या? नहीं ना, इसीलिए मैंने किया। अब तू समझ गया ना? तूने हमें इसमें क्यों फंसाया? तो क्या हुआ, तूने उसे नहीं मारा, मैंने गला काटा है, तूने नहीं। अब बात सुन, उसके आदमी लोग आएंगे, तुम लोग पैसे लो और यहां से निकल लो।
शिवा, शिवा, उठाओ इन्हें। जरा हाथ पकड़ो। सुमति, सुमति। देखो बच्चा रो रहा है, शायद उसे भूख लगी हो, उसे भूखा मत रखो। सो जा शिवा। दास को किसने मारा शिवा? कुछ मत पूछ भाई। सुमति, सुमति घर चलो, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो मानो। मेरी माँ ने सब कुछ छोड़ के आने को कहा है, मेरी दूसरी शादी करवा देंगी। यहाँ का उन्हें दास शिवा मारी नाम का क्यों, क्या हुआ भाई? अपने भाई के मर्डर में इनका यहाँ राइटर बोल रहा था और उनके ऊपर केस भी है बोल रहा था। रुको 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 रुको, क्या नाम बताया तुमने? मारी ना, भाई की गैंग में जुड़ने के लिए बहुत दिनों से मेरे पीछे घूम रहा था। चुप। Ah!
मैं और मारी जब मुंबई में थे ना, तो वहाँ हमारी लोकल डीलर से पहचान हुई। उसके जरिए एक अच्छा लिंक मिला। उसको यहाँ धंधा करने के लिए कुछ आदमियों का सपोर्ट चाहिए था, इसलिए मारी ने दो लोगों को चुना, एक राजेंद्र और दूसरा धर्मराज। धर्मराज ये सब नहीं करेगा इस बात का उसको पता चल गया, इसलिए मारी एक साल पहले राजेंद्र से मिलने गया था। एकदम चिकना हीरो दिख रहा है तू, तुझे देख के लगता ही नहीं है कि गुंडा है, एकदम आइटम दिख रहा है। पहले कोई कारनामा करके आ, फिर गुंडा बनना। चल निकल अब। ए, क्या करने वाला है तू? चल वो भी मैं बता देता हूँ। मेरा एक दुश्मन है, नाम है धर्मराज, उसे खत्म कर दे। भाई रुकना, फिर तुझे गैंग में शामिल कर लूंगा। अब तू जा। एक साल के बाद राजेंद्र को एक फोन आया। मैं धर्मराज को खत्म करने वाला हूँ, तुमसे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे अपने गैंग में शामिल कर लो। मेरे साथ दो लोग और हैं, उन्हें कुछ देना होगा। रखता हूँ। धर्मराज के करीब पहुंचने के लिए हमने बहुत ट्राई किया पर कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसने तुम्हें यूज किया। काम हो गया। लड़कियां सप्लाई करते हो ना, कितना मिलता है? तुम जो कमा रहे हो कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक प्लान है, छोटे बच्चों को पकड़कर उनसे भीख मंगवाते हैं, बहुत पैसा कमाओगे। सोच क्या रहे हो? मैंने पहले ये काम किया है, मैं बॉम्बे में था भाई, सच कह रहा हूं, बहुत कमाएंगे। और इसीलिए मारी ने जो राजेंद्र ने बोला वो किया। तेरा फ्रेंड मरा वो अलग बात है, पर ये सब उस हालात में हुआ जब वो बहुत गुस्से में था। मार दो दोनों को। साथ रहकर हंस बोल क्या लिए, तो तूने दोस्त समझ लिया? वो हमेशा से अकेला इंसान है, उसके लाइफ में कोई भी करीबी नहीं था सिवाय उसके जरूरत के। अपोजिट में गोडाउन है ना, वो राजेंद्र का ही है। ये लोग क्या कर रहे हैं? से निकलते हैं। Hey!
तुम्हें यहाँ पर कौन छोड़ गया? एक भैया हमें यहाँ छोड़ के गए। अंदर आ जाओ चलो चलो चलो। ए, क्या हुआ रे? भाई लड़के लोग बहुत जख्मी हो गए, हॉस्पिटल लेकर गए। आप चलो भाई जाकर देख के आते हैं। गला काट के दफना दो उनको, मार खा के आराम कर रहे हैं और मैं जाकर उन्हें देखूं। किसके आदमी थे वो लोग? किसी ने चेहरा देखा उनका? वो तो पता नहीं भाई, देखने में नया ही था। भाई वो जाते समय मारी का नाम लेकर गया था। ये क्या बोल रहा है? क्यों मारी? तो वो तेरे पीछे पड़ा हुआ है, परेशानी तेरी है। वो तलवार तेरे ऊपर उठी है, हमारे ऊपर नहीं। तू अकेले देख। की काम हो जाएगा। अरे ये क्या हुआ? चोट लग गई क्या? मैं गिर गया था। हाँ? शिवा तेरे पास आया था? नहीं तो। फ्रेंड भाग गया मारी। चल छोड़, पहले काम खत्म करते हैं।
रहे? कुछ नहीं भाई, गाड़ी निकालने के लिए बोल। ए, चल निकल। ए, जाके देखना। भाई यहाँ तो कोई नहीं है। पूरी गाड़ी चेक कर। ये देखो मिल गया, यही था। ए मारे, तेरा दोस्त है यार। Ah!
शिवा माफ कर दे यार, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे शिवा मुझे, शिवा माफ कर दे। देख शिवा फिर से गलती हो गई, शिवा छोड़ दे यार। सुनना सुनना शिवा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। शिवा छोड़ दे यार, शिवा नहीं शिवा। Hey, Shiva, nahi ga.